हेलो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर टू एक्सरसाइज का 2.2 रेगुलर हेक्सागोन है। उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, हैज़ अ चार्ज 5 माइक्रोकुलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर। आपको उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना है वो फाइंड करना है। ओके, तो पहली बात कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो कभी डायरेक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो हमें सिंपली उसके सेंटर पे जब पोटेंशियल फाइंड करना है कि हेक्सागोन है, तो यहाँ पे हम एक हेक्सागोन ले लेते हैं। सपोज़ ये हमारा हेक्सागोन, और ये हेक्सागोन के वर्टिसेस पे हर जगह पे हमने चार्ज रखा हुआ है कुछ 5 माइक्रोकुलम। अभी हम सिर्फ यहाँ पे बताएंगे क्यू, कि सब जगह पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। हेक्सागोन की साइड लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। बोला गया है कि सेंटर पे आप पोटेंशियल फाइंड करो। अब सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है हेक्सागोन का, तो अगर उसकी साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है डिस्टेंसेस, वो सारे कितने हो गए? 10 सेंटीमीटर। यानी सब चार्ज से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कुछ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा हेक्सागोन में? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 10 10 10। क्लियर? यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते कि हमें जो स्मॉल क्यू लिया है वो 5 माइक्रोकुलम, यानी हो जाएगा 5 × 10⁻⁶ कुलम, एंड डिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया कुछ 0.10 मीटर। अच्छा, ये जो आर लिखा ना वो ये नहीं है, ये जो आर 0.10 मीटर है ये वाला मैंने मेंशन किया है। सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है बिकॉज ऑफ ऑल दिस चार्ज, तो ये चार्ज की वजह से इसका डिस्टेंस आर, ये चार्ज की वजह से इसका डिस्टेंस भी आर, इसका भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये आर है ना, वो है ये। ठीक है, तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन V इज इक्वल्स टू 6 चार्ज, एक की वजह से के क्यू डिवाइड बाई आर। ऐसे चार्ज कितने हैं? 6, तो V इज इक्वल्स टू 6 9 × 10⁹ इंटू चार्ज क्यू, यानी 5 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई डिस्टेंस, यानी 0.10 मीटर। ठीक है, तो सिंपली पोटेंशियल हमारा कुछ आएगा 2.7 10⁶ वोल्ट। इजी सम था, उतार लो फटाफट।